हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और दिस इज़ नॉट व्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ रिएक्शन चैनल। और पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना क्योंकि दिवाली आ रही है तो घर में सफाई चल रही है। तो अभी 2-4 दिन ऐसे ही घर रहने वाला है, उसके बाद फिर नया लुक आ जाएगा क्योंकि अभी सबके घर में सफाई चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा घर का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा हो रखा है क्योंकि सब सोफे कवर वगैरह कर्टन वगैरह सब उतरे हुए हैं। और मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ताराहुल ग्रोह की, यानी कि तारा और राहुल की। तो अभी फ़िलहाल में मेरे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं, तो उनको बता दूँ कि तारा राहुल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये रिएक्शन वीडियो जो है तारा राहुल के ऊपर है। मैंने तारा राहुल के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है, उनके सपोर्ट में बनाई है और जहाँ पर तारा गलत होती है वहाँ पर भी बनाई है ना। मेरा मकसद ये नहीं होता कि अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ तो फिर मैं उसको सपोर्ट ही करती रहूँगी। अगर वो बंदा सही है तो उसको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर वो बंदा कहीं पर गलत लगता है तो उसको गलत बोलती हूँ। रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं होता कि गाली गलौज करो, उसको उल्टा सीधा बोलो, नहीं। सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं ना कि आपको इनकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब, आपको इनकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब। देखो भाई, ये पर्सनल लाइफ जो है ना वो अपने घर तक और अपने 4 दीवारों तक सीमित रहती है, लेकिन जब तुम किसी बात को ना, कोई भी बात हो A to Z, अगर तुम उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको ला रहे हो ना, तो फिर वो पर्सनल बात हो जाती है, वो पब्लिक हो जाती है, ठीक है। और फिर हर इंसान का, हर पब्लिक का होता है कि वो अपने अपनी बात उस टॉपिक पर रख सकता है। और जिन लोगों को ये नहीं पता, बहुत से लोग बोलते हैं रिएक्शन चैनल, तो आप जाकर पहले एक बार रिएक्शन चैनल सर्च कर लें यूट्यूब पर, उसके बाद ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब एक ने बोला मुझे वहाँ पर कमेंट में जाकर तारा के चैनल पर कि परी व्लॉग ने सही बोला था कि तारा डबल फेस है। तो देखो, मुझे जहाँ पर जो लगा, मुझे जैसे लगा डबल फेस है तो मैंने वहाँ पर बोला, और मैं इस बात से मुकर नहीं रही हूँ। मुझे जहाँ पर लगेगा मैं वहाँ पर बोलूँगी, ठीक है। अब बहुत सारी बातें जो मैंने बीच में कंचन की वीडियो बना दी थी और मैंने वो वाली बात छोड़ दी थी, तो मेरे को कमेंट आई थी कि दीदी करवा चौथ का मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने, ये सुबह सरगी खाना, बिना नहाए धोए ये करना वो करना। तो देखो, सरगी खाना पहले टाइम पर नहीं होता था, है ना। और मेरी शादी को अब 12 दिसंबर को 12 साल हो जाएंगे, लेकिन हमने भी कभी सरगी वर्गी नहीं खाई और ना ही हमने कभी अपनी मम्मी मम्मी को देखा कि सरगी खाते हुए, ठीक है। लेकिन ये अब से कुछ 4-5 सालों से ये चल गया कि सरगी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा मानना भी यही है कि सरगी खाना होता है, सरगी वाली जो रस्म है ना, ये होती है पंजाब में, ज़्यादातर पंजाब में होती है। पंजाब में ही वो सुबह उठकर नहा धोकर धूपबत्ती वगैरह करके सुबह 4 बजे से पहले कुछ खा लेते हैं, और खाते ऐसा नहीं है कि मतलब बर्फ से तोड़ने वाला खा लेते हैं, फल फ्रूट थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और जिनकी मतलब न्यू बेबी डिलीवरी हुई है उनको भी खिला दिया जाता है, ताकि क्योंकि बच्चा है, बेबी है, वो तो फ्रिज लेगा ही ना, तो इसलिए कि दिक्कत ना हो। क्योंकि व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने शरीर को कष्ट दो, कोई भगवान नहीं चाहेंगे कि आप अपने शरीर को कष्ट दो, लेकिन ये है कि निर्जल व्रत होता है और इसमें सुबह के टाइम हम लोग तो सरगी वर्गी खाते नहीं है, लेकिन जो खा रहे हैं तो हम किसी के रीति रिवाज को भी नहीं बोल सकते कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके रीति रिवाज है, ये हमारे रीति रिवाज हैं, तो सब लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं। अब आती है गिफ्ट की बात कि तारा ने गिफ्ट, तारा को गिफ्ट में भाई iPhone 16 मिला है जो कि 2 लाख का है। फिर हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि 2 लाख का फ़ोन लेना। तो तारा ने से बोला है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 2 लाख का फ़ोन खरीदा अपने पैसों से। तो देखो, मेहनत तो तारा की भी है, वो ब्लॉगिंग करती है, उसने ब्लॉगिंग से 2 लाख रुपये कमाए तो उसने अचीवमेंट किया, उसने iPhone 16 लिया। लेकिन उसमें जितना योगदान तारा का है उतना आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग उसकी वीडियो देखते हो, उसको सपोर्ट करते हो, तभी उसको यूज मिलते हैं और तभी वो फ़ोन खरीद पाई, तो ठीक है। और रही गिफ्ट की बात कि आपके नए नए टोटके शुरू हो गए हैं कि पत्नी को गिफ्ट दे रहे हैं, बर्थ पत्नी जब ही रखेगी जब उसको बर्थ मिले वो मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा ये वो। तो देखो, पहले टाइम पर मुझे लगता गिफ्ट विफ्ट होता, हमारी पत्नी ने तो हमें आज तक कोई गिफ्ट दिया नहीं करवा चौथ पर, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं जब हम व्रत रखें जब ही रखेंगे जब तू हमें कोई गिफ्ट देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। व्रत रखते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, ना कि उससे गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन आजकल हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देते हैं, तो देखो एक लेडीज़ का ऐसा नेचर होता है, हर लेडीज़ का होता है कि अगर वो कोई गिफ्ट देता है, चाहे वो हस्बैंड दे, चाहे कोई रिलेशन वाला दे, कोई भी दे, तो लड़कियों को गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो
तो इससे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे भी रहे हैं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियां खुश हो जाती हैं, उनको गिफ्ट मिल जाता है, पति की भी टेंशन थोड़ी खत्म हो जाती है, चलो आज खुश है ही, ठीक है। तो गिफ्ट विफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं, जिसकी इतनी अहमियत होती है, जितनी जिसकी औकात होती है वो उस हिसाब से गिफ्ट देता है। गिफ्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, चाहे कोई 2 लाख का दे दो, चाहे कोई 5 रुपये का दे दो, चाहे 50 रुपये का दे दो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, ठीक है। गिफ्ट की कभी तुलना नहीं होती कि ये 2 लाख का है, ये 1 हज़ार का है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। आदमी का दिल साफ होना चाहिए, उसके मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार होना चाहिए। 2 लाख या 1 हज़ार मायने नहीं रखता, ससुराल में पति से इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। और अब तारा को फ़ोन मिला, iPhone 16, कॉन्ग्रेचुलेशंस तारा राहुल। लेकिन अब तारा बोल रही है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैं देखो उससे रिलेटेड जो मैं मेरी ये बात है, जो जहाँ सच होता है ना मैं मुँह से निकाल देती हूँ भाई, किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे। तारा ने, जब तारा कहीं गई थी, मैंने उस मतलब करवा चौथ से 2-3 दिन पहले मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, जिसमें वो उसके पापा बोल रहे थे, पापा से बोल रही थी गिफ्ट के बारे में कि पापा बहुत महंगा फ़ोन है वो, अभी मत बताओ, आप बाद में बताएंगे, 2 लाख का है, ये है वो है। तो जिस तारा बोल रही कि मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है गिफ्ट के अंदर, तो देखो वो बात झूठ है। तारा को पता था पहले से ही कि राहुल भैया उसको iPhone 16 Pro देने वाले हैं, क्योंकि वो उसमें तारा की भी, ये नहीं कि राहुल भैया ने अपनी तरफ से दिया है, उसमें तारा की जो यूट्यूब से इनकम आती है शायद उसका भी कुछ शेयर है, राहुल का भी कुछ शेयर होगा, मुझे नहीं पता कि किसकी उससे है। लेकिन ये 100% है कि सो है कि तारा को पहले से ही पता था कि राहुल भैया उसको iPhone Pro देने वाले हैं। और ये बात भी है कि iPhone 16 Pro को एकदम ऐसे ऑन नहीं होता है, उसे पहले आईडी वगैरह बनानी पड़ती है जब वो ऑन होता है। लेकिन वो पहले से ही ऑन था, और पहले से ही उसकी जो है अनपैकिंग हो चुकी थी, और उसमें से फ़ोन पहले ही निकल चुका था, वो दोबारा से पैकिंग हुई थी सेलो टेप लगाकर। तो वो तारा को पहले से ही पता था, तारा ने थोड़ा सा यहाँ ओवर कर दिया, जो लोगों ने पकड़ भी लिया, और जो सच है वो तो सच है भाई। वो तारा को पहले से ही पता था कि राहुल भैया, वो दोनों की प्लानिंग थी उनकी पहले से ही कि तुम तो मुझे करवा चौथ पर ये चाहिए, वो उन्होंने दोनों ने मिल के ही लिया था। और उन्होंने जो भी बताया कि उन भैया ने हमारी हेल्प की, तो हो सकता है भाई यहाँ नहीं अवेलेबल हो तो उन्होंने बाहर से मंगाने में इनकी हेल्प की है, तो दोनों को पता ही था पहले से, ठीक है। उस तारा ने खुद ही अपने मुँह से बता दिया। बेशक वो शायद ब्लॉगिंग करते हुए ये ब्लॉगर जो है ना भूल जाते हैं कि हमने पीछे कुछ बता चुके हैं हम इससे रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट कुछ और बोल देते हैं, पर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके व्यूवर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। बाकी सब मज़े में रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और मेरे लिए तो देखो सभी यूट्यूबर्स को सपोर्ट जहाँ सही होते हैं वो सपोर्ट करती हूँ, पर जहाँ गलत होते हैं उनकी बात उनके लिए कहने से भी हिचकिचाती नहीं हूँ, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है।